डायबिटीज का रोकथाम करना या डायबिटीज को क्योर किया जा सकता है, कंट्रोल की जा सकती है बिना दवाओं के, क्योर की जा सकती है और रिवर्स भी हो सकती है। डायबिटीज में बहुत कई बार ऐसा होता है कि कोई लक्षण नहीं होते, सिर्फ चेक कराते हैं तो पता चला है मुझे तो डायबिटीज आ गई। डायबिटीज के लिए अमूमन ये होता है, प्यास ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा होता है और इस सब के बाद वजन कम होता जाता है। मतलब खाना भी खूब खा रहे हैं फिर भी वजन कम हो रहा है। हरदम थके से रहना, चिड़चिड़ापन रहना, हाथ पांव में दर्द होना, पेशाब की जगह में इन्फेक्शन हो जाना या कोई घाव हो गया वो जल्दी भर नहीं रहा है, ये लक्षण है जब आदमी को सोचना चाहिए कि मुझे डायबिटीज हो गई। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ चुके हैं डॉक्टर गुलाब गुप्ता सर के पास में, जो कि डायबिटीज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, नियो हॉस्पिटल सेक्टर 50 में बैठते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आजकल के फेसेस में जो डायबिटीज को लेकर छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है तो क्या क्योर है या क्या ट्रीटमेंट्स उनके हैं, आज हम डॉक्टर से डायबिटीज के टॉपिक में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हेलो सर। थैंक यू thank you for good introduction. I am working as a diabetologist in new hospital and I have my clinic in sector 19. Diabetes is just like a epidemic. It is increasing in enormously high number. Aaj 100 mein se 15 log jinki umar 40 saal se upar hai diabetic hai. Chahe wo diabetes ke bare mein jante ho ya na jante ho, matlab unko pata ho ya na ho, या अगर पता भी है तो कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या वो दवाएं लेके कंट्रोल कर रहे हैं या इंसुलिन लेके कंट्रोल कर रहे हैं, पर 100 में से 15 लोगों को डायबिटीज है, चाहे उनको पता हो या न पता हो। और ये डायबिटीज केवल बड़े शहरों की ही बीमारी नहीं है, छोटे शहरों में भी इसकी दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। सर, तो ये डायबिटीज हमें है ये किस तरह से पता चलेगा? हम डायबिटीज में बहुत कई बार ऐसा होता है कि कोई लक्षण नहीं होते, सिर्फ चेक कराते हैं तो पता चला है मुझे तो डायबिटीज आ गई। डायबिटीज के लिए अमूमन ये होता है, प्यास ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा होता है और इस सब के बाद वजन कम होता जाता है। मतलब खाना भी खूब खा रहे हैं फिर भी वजन कम हो रहा है। हरदम थके से रहना, चिड़चिड़ापन रहना, हाथ पांव में दर्द होना, पेशाब की जगह में इन्फेक्शन हो जाना या कोई घाव हो गया वो जल्दी भर नहीं रहा है, ये लक्षण है जब आदमी को सोचना चाहिए कि मुझे डायबिटीज हो गई। या वो लोग जिनके परिवार में माता पिता किसी को शुगर है उनको, या वो लोग जो प्रयास करके भी वजन नहीं कम कर पा रहे हैं उन लोगों को अपनी डायबिटीज की जाँच करना चाहिए। उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आजकल डायबिटीज 25 साल में, 12 साल में, 15 साल में और जो टाइप 1 डायबिटीज है वो 5 साल 6 साल में भी मिलती है, तो उम्र का कोई निर्धारण नहीं है। तो सर, क्या डायबिटीज का एक प्रॉपर इलाज जिससे डायबिटीज में रोकथाम पॉसिबल है या ये लाइफ टाइम की बीमारी है? नहीं, आजकल बहुत काम इस बात पे हो रहा है कि डायबिटीज का रोकथाम करना या डायबिटीज को क्योर किया जा सकता है। बहुत सारे लोग डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम कहते हैं इसे, इस पर बहुत काम हो रहा है। अगर हम सचेत हो जाएं, अगर मुझे पता है कि मेरे माता पिता को शुगर है, मेरे भाइयों को शुगर है, तो हम समय समय पर 25 साल की उम्र के बाद से ही चेक करते रहें, अपने वजन को कंट्रोल रखें, खाने पीने पर कंट्रोल करें और रेगुलर वॉक करें, नियमित रूप से वॉक करें, खाना पीना कंट्रोल करें, तो ये कंट्रोल की जा सकती है बिना दवाओं के, क्योर की जा सकती है और रिवर्स भी हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों में रिवर्सल भी हो रहा है। और हमें खाने पीने में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आजकल हम लोग गेहूं पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हमें मोटे अनाज खाना चाहिए, चना है, बाजरा है, जौ है, रागी है, ये चीजें ज्यादा लेनी चाहिए। भर पेट नहीं खाना चाहिए, हर बार खाने के बाद सुस्ती आती है। डायबिटीज का एक ये भी लक्षण होता है कि साहब जब हम खाना खा लेते हैं तो मुझे नींद आती है, सुस्ती आती है,
ये भी डायबिटीज का एक लक्षण है। ऐसे लोगों को डायबिटीज के लिए जांच करानी चाहिए। तो डायबिटीज का क्योर संभव है अगर आप सतर्क हैं। वैसे अभी तक ये धारणा थी कि डायबिटीज का क्योर संभव नहीं है, पर अब बहुत सारी थेरेपीज आ रही हैं जिनमें हम डायबिटीज को क्योर के रूप में भी देख सकते हैं। तो सर, अगर कोई पेशेंट डायबिटीज की दवाइयां खा रहा है और कुछ टाइम खाने के बाद में उसकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाती है, वो दवाइयां खाना छोड़ सकता है या उसको कंटिन्यू दवाई खाना जरूरी है? नहीं, अगर दवा लेके शुगर आपकी कंट्रोल है तो इसका मतलब दवाएं आपके लिए आवश्यक हैं। कुछ दवाएं घटाई जा सकती हैं जी। अगर आप अपना वेट कंट्रोल करके बीएमआई 23 ले आते हैं, अगर आप एक्टिव हैं, नियमित एक्सरसाइज और वॉक कर रहे हैं, तो दवाएं घटाई जा सकती है, बंद करना मुश्किल है। ठीक है सर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने डायबिटीज के बारे में डिटेल में जाना, तो अगर कोई भी पेशेंट डायबिटीज से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो मियो हॉस्पिटल सेक्टर 50 में या सेक्टर 19 में सर का क्लिनिक है, वहां कंसल्ट कर सकता है, सर से मिल सकता है। थैंक यू।